Hello guys, you are most welcome in my academy. This is Irfan Sheikh and today we are going to study about comparing quantities. तो चलिए शुरू करते हैं. मैंने यहाँ पे mention कर रखा है कि comparison always should be in two similar things. जो comparison होता है वो हमेशा हम दो similar चीज़ों में ही करते हैं. अगर दो similar चीज़ नहीं है तो हम comparison नहीं कर सकते हैं. इसलिए मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करा है कि किसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं और किसमें नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे लिखा है माय हाइट इज 2 मीटर मोर देन योर वेट. अब स्टेटमेंट आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, यानी कि किसी की हाइट की कंपेयर हो रही है किससे, वेट से. ये दो अलग अलग थिंग्स हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते. और जब कंपैरिजन ही नहीं होगा तो हम रेशियो भी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा है हाइट ऑफ राहुल इज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ मोह. ठीक है, यहाँ पे जो राहुल की हाइट है वो मोहन की हाइट का क्या है, 2 टाइम्स है. तो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों थिंग्स सेम है, हाइट एंड हाइट की ही बात हो रही है. तो जब हाइट और हाइट की बात है तो हम कंपेरिजन कर सकते हैं. तो इसमें जब कंपेरिजन हो सकता है तो इसका रेशियो हम कैसे निकालेंगे. तो देखो रेशियो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लियर क्या कह रहा है यहाँ पे, हाइट ऑफ राहुल इज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ मोहन. मोहन की हाइट का 2 टाइम्स है राहुल की हाइट, तो पहले आप मोहन की हाइट लेट कर लो. तो देखो क्या हो जाएगा, लेट हाइट ऑफ मोहन बी एक्स, ठीक है, एंड हाइट ऑफ राहुल क्या हो जाएगा, राहुल बी, क्योंकि 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा 2x, दैट्स इट. अब आपको हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है. तो रेशियो के लिए वो भी अगर मान के चलो राहुल की रेशियो निकालना है हमें किससे, रेशियो ऑफ, चलो मैं एक बार मेंशन भी कर दूं, रेशियो ऑफ राहुल टू मोहन. ठीक है, अगर मैं सिंपली स्टेटमेंट लिखता हूँ कि हमें राहुल की हाइट की रेशियो निकालना है किससे, मोहन से, तो हम कैसे कर लेंगे, राहुल की हाइट यहाँ पे क्या है, देखो अब 2x है तो ये ले लो अब 2x, एंड अपॉन जो पहले आएगा उसको न्यूमरेटर में रखना है और जो बाद में आता है उसको हमें कहाँ रखना होता है, डिनोमिनेटर में. तो यहाँ क्या है x, तो ये हो जाएगा x. अब फाइनल x से x कैंसिल, तो फाइनल यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अपॉन, नीचे में कुछ नहीं बचा यानी डेफिनेटली 1 होगा. अब इसको रेशियो में लिखेंगे तो 2 रेशियो क्या आ गया, ये 1 आ गया. सिंपल है, रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब हम देखेंगे कि रेशियो कैलकुलेट करने के बाद इस रेशियो को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो वही चीज़ अब देख लेते हैं. अब चलो हाउ टू कन्वर्ट रेशियो टू परसेंट. हम रेशियो को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल है. तो यहाँ पे देखो अगर मैं एक रेशियो कंसिडर कर लेता हूँ, मान के चलो कि एक रेशियो दिया हुआ है 3:2, ये एक रेशियो है. अब इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है. 3 है तो 3, और रेशियो को हम अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 2. और किसी भी चीज़ को जब परसेंट में लाना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100. तो आप भी मल्टीप्लाई क्या करो, 100 कर लो, सिंपल है. अब जैसे हमने मल्टीप्लाई 100 करा तो 2 से कैंसिल कर लो, 2 1 2 2 50 इज़ा क्या हो जाएगा 100. ठीक है, अब फाइनल यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 15, यानी कि 150% हो जाएगा ये. ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया, ये रेशियो में आ चुका है. अब ऐसे अगर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि ये एग्जांपल अगर बी ये ले लेते हैं 2:4. अब इसको भी हमें कन्वर्ट करना है, इसमें भी क्या करेंगे, 2 अपॉन 4 एंड मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100. तो 4 से इसको कैंसिल करो तो ये क्या हो जाएगा, 4 25 100, 25 4 100 एंड 25 2 50, तो ये क्या आ जाएगा, 50% हो गया ये कन्वर्ट परसेंट में. ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं एक टर्म है, उस टर्म को अब समझने की कोशिश करते हैं. जैसे अगर यहाँ पे मैं मेंशन कर लूँ परसेंट में ही वो टर्म होगा, वो मेंशन कर लूँ कि अगर 70% ऑफ 40 students आर प्रेजेंट इन द क्लास, देन हाउ मैनी
how many students present in the class देखो यहाँ पे अब हमने लिखा है कि 70% ऑफ 40 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स में से जो है 70% स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तब कह रहा है कि कितने स्टूडेंट क्लास में है। तो देखो यहाँ पे बच्चों में कन्फ्यूजन क्या होता है कि सर 40 स्टूडेंट्स में से 70% स्टूडेंट्स कैसे प्रेजेंट हो सकता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि स्टूडेंट्स 40 हैं और प्रेजेंट आप बात कर रहे हैं 70 की। तो नहीं, सबसे पहले तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये परसेंटेज वैल्यू है, यानी कि 70% वैल्यू जो है वो किसका है, 40 का। 40% 40 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसका 70% प्रेजेंट है। तो देखो अगर इसी को मैं एग्जांपल से समझाऊं कि अगर मान लो यहाँ पे 24 है, टोटल स्टूडेंट्स 24 है, जिसमें से अगर मैं बोलूँ कि 50% क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पे मान लो 50% प्रेजेंट है किसमें, क्लास में। तो माइंड आप कितने स्टूडेंट्स होंगे, क्वेश्चन ये था कि 20 टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 20 है, जिसमें से 50% क्या है, प्रेजेंट है। 50% प्रेजेंट है तो कितने स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये जो 50% है ये परसेंटेज वैल्यू है, तो एक्चुअल नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स का। तो डेफिनेटली आप कहोगे सर 50% है मतलब ये हाफ होता है 50%, क्योंकि 100% जो होता है वो क्या होता है 100 का। तो ये 50% यानी 100 का 50 हाफ हो गया, तो आप भी 24 का क्या कर दो हाफ, तो 24 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12, यानी 12 स्टूडेंट्स क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन ये जो 12 यहाँ पे चलो ये 50% था तो आपने हाफ कर दिया, लेकिन जब हमें एक्चुअल नहीं पता रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो आप इसको कैसे कैलकुलेट किए होंगे, यानी 24 मल्टीप्लाई 50 है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, एक्चुअल में ये आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि ये देखो यानी कि 50% ऑफ 24 ऐसे लिख लोगे, तो 50 है तो 50 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 24 है, तो 24 अपॉन में क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। तो देखो 52 जा 100 एंड 2 से इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना, ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे कन्फ्यूज मत होना कि 70% ऑफ 40 स्टूडेंट्स है तो ये 70% कैसे हो जाएगा, ये परसेंटेज वैल्यू है और ये एक्चुअल वैल्यू है। तो अब हम पता करते हैं कि 70% अगर प्रेजेंट है 40 स्टूडेंट्स में से तो कितने स्टूडेंट्स होंगे प्रेजेंट और कितने अब्सेंट होंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, ये 70% है ना, तो आप इसका निकाल लो, यानी 70% ऑफ 40 आर प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो 70 है तो 70 ऑफ की जगह क्या रखोगे, मल्टीप्लाई 40 एंड अपॉन में क्या रखोगे, 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम परसेंट को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो आप देखो यहाँ से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो फाइनल क्या आ गया यहाँ पे, 7 4 जा 28, यानी 28 स्टूडेंट्स क्या है, प्रेजेंट है, स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। वही चीज़ देखो यहाँ पे, क्योंकि मैंने लिख रखा था 70% ऑफ 40 आर क्या है, प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। तो जब हमने इसका परसेंटेज को ब्रेक डाउन किया एक्चुअल नंबर में, तो वो कितना आ चुका है, 28 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट है। तो जब 28 प्रेजेंट है तो अब्सेंट कितने होंगे, डेफिनेटली 40 है तो 40 माइनस 28 हो जाएगा, यानी कि 12 क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पे, 60% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर पास्ड इन द एग्जामिनेशन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पास्ड इन द एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करें और करने के बाद आंसर आप कमेंट बॉक्स में राइट करें, जो भी आंसर आएगा आप उसको राइट करें कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। अब इसके बाद हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं, ठीक है। आप वीडियो को कहीं पे स्किप ना करें, एक एक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें हमें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और उस पर किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस टॉपिक पे ही वीडियो बनाऊंगा।